रेडी हो रहे हैं। ये आपका भाई बी ब्राइड ब्रो और ये आपका दूसरा भाई बी राइड ब्रो, दोनों तैयार हो चुके हैं। सो कैसा लग रहा है सर आपको अभी? कैसा लग के पहले लग कर खतरों के खिलाड़ी में आके, मतलब आपने कभी सोचा था कि आपका सिलेक्शन हो जाए? मैंने बचपन भी ऐसा गुजारा है, मैंने से जवानी भी ऐसी गुजारी है, मेरे लिए कोई नई बात है। सो आपको लगता है आप खतरों के खिलाड़ी जीत पाएंगे सर? शौक है मेरा, शौक दो मिनट में करके आ जाऊंगा। खिलाड़ी आप जीत सकते हैं, मुझे रोपिंग का शौक है, मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल 6 मिनट ये दूसरे पे देखते हैं सर आपको। सो वेलकम टू खतरों के खिलाड़ी में आपका स्वागत है और ये दोनों फाइनल में पहुंचे हुए हैं एंड होप कि दोनों ही ना जीते क्योंकि ये दोनों जीतने के लायक नहीं है। बेस्ट ऑफ लक। डर रहे हो तो वापस आ जाओ, आप ये टास्क छोड़ भी सकते हैं। तुम्हारा वो देखो इधर से क्या और ये जो एडवेंचर है वो मेरा है, ये मैं करके दिखाऊंगी आप लोगों को। बहुत ही रिस्की। कैसा लग रहा है? बहुत डर लग रहा है ना? बच्चे यहाँ पे ना ही आए। प्लीज इसे डोंट ट्राई एट योर होम, काफी ज्यादा डेंजर है। घर पे ऐसा झूला बिल्कुल ना लगाएं। और ये शायद इस सीढ़ी में इलेक्ट्रिक शॉक आ चुका है। बी राइट ब्रो, हेलो टू योर फ्रेंड। प्लम्बर नहीं लग रहा हूं। और ये हमारा दूसरा सिपाही, थोड़ा डर रहे हैं, ये जाने से मना कर रहे हैं बट इनको काफी समझाया गया है तो फिर ये जाने को तैयार हुए हैं। और मुझे लगता है ये टास्क जो है वो बी ब्राइट ब्रो ही जीतेगा क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डर गए हैं और ये शायद टास्क क्विट करना चाहते हैं। वो देखो कितना दूर चला गया, वो इसने टास्क जीत लिया है। तो बी ब्राइट ब्रो ने टास्क कंप्लीट किया है 2 मिनट 30 सेकंड में और ये बी राइट ब्रो अभी आधी रास्ते भी नहीं पहुंचे हैं। सो फाइनली टास्क जीत लिया है जॉन्टी ने। सो ये अवार्ड जाता है जॉन्टी को। जल्दी तेजी में मजा आए। अरे स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, गिरूंगा नहीं, हट जाने, तुम्हारे ऊपर ही आ जाएंगे। आसमान की ऊंचाई छूते हुए तेजी में मजा आएगा। अरे स्पीड तो मैं बढ़ा दूंगा, गिरूंगा नहीं, हट जाने, तुम्हारे ऊपर ही आ जाएंगे। टास्क मैंने कंप्लीट कर लिया और हमने भी कंप्लीट कर लिया। क्यों? बिल्लू सांडा मुश्किल मुश्किल 6 मिनट लगे। मुश्किल 2 मिनट लगे। 6 मिनट लगे पूरे का। तो पहला हो गया कंप्लीट, सेकंड वाला ये है जो कि थोड़ा सा काफी एडवेंचर पर और ज्यादा था। चलते इस पे अब। करो और ये आशीष के पापा स्ट्रगल करते हुए क्योंकि आज इस गेम में जो भी जीतेगा उसे 10 करोड़ मिलेंगे, इसलिए वो आशीष के लिए इन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है। मैंने बचपन में ऐसा गुजारा है, जवानी भी ऐसी गुजारी है, मेरे लिए गाँट पे पैर रखो, देखो बहुत तेज हो गया, बीच में मत रखो, क्योंकि कपड़ मिल जाएगा ना। नहीं गाँट पे जो छोटी छोटी गाँट पीछे पैर रखते हो, देखो कपड़ मिलेगा। थोड़ा डर रहे हैं और जीत भी गए हैं, जीत भी गए हैं डरते हुए। मैंने उन्हें समझाया,
कि डर के आगे जीत है। तुमको भी आना चाहिए था। तो हम आ जाते तो आपका कैमरा मैन कौन बनता? तो बन ही जाता। सही है। हाँ। ये तुम्हारा पूरा वो कर देगा। ये मेरे सर के ऊपर से पैर रख के चले जा रहे हैं। सेकंड भी हमने कर लिया। सेकंड थर्ड थे ये? सेकंड ही सेकंड है। ना ना ये थर्ड है। हमने थर्ड भी कंप्लीट कर लिया है। तो वैसे सही बता तो कुछ ज़्यादा एडवेंचर है नहीं। थोड़ा और हाइट होती मज़ा आता ना। हाँ हाइट होने तरफ से थोड़ा सही रहता है के लिए। ये देखो इसी में दोनों आ जाओगे। रस्सी है, रस्सी के दोनों बीच में पर रखते। हाँ बस नहीं रस्सी और रस्सी के बीच। हाँ ये ऐसे ज़्यादा गिरेगा गिरोगे जॉन की तो कोच हो गया। जब करीब टूटा ये जहां बहुत तगड़ा गीत मुआवजा नहीं पता। अरे भैया बालू को है दिखाते मत। अरे नहीं बालू भी गिरेगा ना तो आपको वहाँ संगम को करने थोड़ी देगा। हाँ वो पर निकल लेनी पड़ेगी। तुम इनके बिजनेस आइडिया इग्नोर किया करो। इग्नोर किया करो इनके बिजनेस आइडिया। इनके बिजनेस आइडियाज को इग्नोर किया करो। सर दर्द करवा देंगे। अब मैं बहुत थक गई हूँ उन लोगों का ड्रामा देख देख के। ये वाला करना हाँ फिर से करें। हाँ हाँ मेरा भी ये इस अभी कदम का जो सबसे ज़्यादा टफ था ये। और मेरे हाथ अभी कांप रहे क्योंकि बहुत दम लगाया हाथ से मैंने तो। अच्छा बहुत टफ था ये। और ये वाला चलते देखे कैसा हो। ये भी वैसा टफ ही होगा क्योंकि सेम वही है बस इसमें यहाँ पे लकड़ी लगी है वुड लगाया। तो करते हैं एक्सपीरियंस ये भी। अब ये इन दोनों का एडवेंचर कंप्लीट हो गया है। इन्होंने सारे राउंड जो है बहुत ही ज़्यादा देरी में कंप्लीट किए हैं इसलिए विनर तो कोई भी नहीं है। जॉन्टी ने 1 मिनट पहले कंप्लीट कर लिया है। और ये तो कुंफू पांडा बहुत ज़्यादा डिले इन्होंने किया है।
अपनी व्लॉगिंग चला रहे सो जॉन्टी ने डिसाइड किया कि वो सीढ़ी से नहीं, वो डायरेक्ट जंप करके उतरेगा बंदर जैसे। ये पकड़ ले, आ रहा हूँ। तुम फाइनली टास्क मेरा खत्म हो गया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मज़ा आ गया ना? हार के कितने जल्दी करो मैं, क्योंकि तुम दोनों ने बहुत ज़्यादा डिले किया है, इसलिए तुम दोनों को कोई भी प्राइज नहीं। वाली वो हमसे आगे वाली, देखो उधर खड़ी है। हमने कंप्लीट कर लिया है जो भी था यहाँ पे। और कैसा लगा आपको करके? बहुत अच्छा, मजा आ गया ना? थोड़ा हाइट और मांगता है इस पे बस थोड़ा। अब सबसे टफेस्ट टास्क बचा है जो कि ये है, और बहुत ज़्यादा टफ है इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। उससे भी टफ वाला ही ये झूला है जो हमारे लिए बना ही नहीं, क्योंकि हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए दीदी जी करेंगे। एनी ऑफ ब्लॉग्स दूर रहना ना ये भाई है ये सही यार और स्विंग करो, ये देखो पैर तो फैलाइए भैया ये छोटे बच्चे के लिए भी कितना प्यारा। तो जैसा सोचा था हम लोग चिड़ियाघर आए थे, पर चिड़ियाघर ज़्यादा एडवेंचर पार्क मजा आया इसका, और एडवेंचर पार्क ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमने बहुत इन्जॉय भी लास्ट टाइम कर लिया, पहले तो बोरिंग थोड़ा सा लग रहा था चिड़ियाघर, बट काफ़ी मज़ा आया। तो प्लीज़ ये ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना, अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक लाइक भी करी देना, और प्यार अपना भाई को देते रहो। थोड़ा सपोर्ट ऐसे करते रहोगे तो भाई के अंदर कॉन्फिडेंस बना रहेगा, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की और कोशिश करने की कोशिश करूँगा। तो जब तक अपने वैसे बनाए रहो, लव यू, और ढेर सारा प्यार आपको मेरी तरफ से, आशी की तरफ से। आशी को अपना आशीर्वाद देना दीदी, और इनके ब्लॉग को भी ज़रूर देखना कि ये भी अपलोड ज़रूर करेंगे। और चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर, टाटा।